सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी है, सड़क के ऊपर पानी हो गया, करीब 2-3 फीट ऊपर पानी हो गया। और ये है आर नगर के बीच में जो रोड पड़ता है, करीब यहाँ से 3 किलोमीटर तक ऐसा ही आपको मिलेगा। चारों तरफ बाढ़ आ गया, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा पानी है। यूपी और गोंडा के बीच में ऐसा मिलेगा आपको। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते रहेंगे बहुत जगह यहाँ पे। ये देखो सब लोग आ रहे हैं, देखो तो ये देखो राप्ती, जो आपको नजारा दिख रहा होगा दूर दूर तक सन्नाटा। इधर देखो कितना तेज पानी बह रहा। सो है गाइस, जैसे कि देख सकते हो गोंडा से आने के बाद भी घर पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है और रास्ते में तो बहुत ज्यादा पानी मिला है, जैसे लग रहा था कई गांव डूब गए। तो हमारे गली में पूरा पानी हो गया है। इधर बहुत ज़्यादा बारिश, देखो नाले और सड़क एक साथ हो गए। देखो कितना ज़्यादा बारिश, इधर देखो पूरा एकदम रोड पूरा जाम हो गया यार, देखो। और इधर देखो हमारे घर के पास में देखो सड़क और नाली एक साथ, देखो ये देखो। पहली बार बहुत दिनों से बात देखने को मिल रहा है। सो है गाइस, जैसा कि देख सकते हो सड़क और नाले एक साथ हो गए। आपको दिख रहा है कि सड़क कौन सा और नाले कौन सा है। और इधर देखो पूरा बारिश, इस गली में देखो पूरा बाढ़ आ गया, जैसे लगता है पूरा बाढ़ आ गया। ये देखो, और ठंडी भी लग रहा है यार। हे गाइस, जैसे कि देख सकते हो आज बहुत ज़्यादा बारिश सुबह से हो रहा है, करीब सुबह 4 बजे से हो रहा है। आज हमारे गांव का हाल देख सकते हो कैसा है, पूरा एकदम बारिश में लथपथ है और पूरे चारों तरफ बारिश, पानी ही पानी नज़र आ रहे हैं। देखो गांव में कितना ज़्यादा बारिश, पूरा भरा हुआ है, सड़क उड़क भर गया पूरा। देखो अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और